फिरोजाबाद दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां पर रजिस्टर भी देखा। इसके साथ ही टूडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। अस्पतालों का निरीक्षण करने के बाद डिप्टी सीएम ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसीलिए हम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। मौके पर जाकर हम मरीजों से, उनके परिजनों से मिल रहे हैं और जो भी दिक्कतें उनको हम दूर कर रहे हैं। सर, आजकल चुनाव 2024 के पीछे राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा जनाधार बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की योजनाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी, वो जन जन तक पहुंच रही हैं और लोगों का भरोसा भाजपा पर बढ़ा है। सर, 2024 में हम प्रदेश की सभी सीटों पर विजय प्रचंड बहुमत से प्राप्त करेंगे और दोबारा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। सर, कोई चीज़ ऐसी जो आपको यहाँ दो दिन के इंस्पेक्शन में कमी लगी? देखिए, ऐसा है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, हर स्थिति में हम चाक चौबंद व्यवस्था फिरोजाबाद के लिए करने वाले हैं। थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।